क्या आप भी अपने गार्डनिंग में ग्रीन ग्रास लगवाना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका लोन भी हरा भरा दिखे, वो भी नेचुरल ग्रास से? तो इसी के लिए आज हम आए हुए हैं एक ऐसे गार्डनिंग एक्सपर्ट से और डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट से मिलने के लिए जो कि ग्रीन ग्रास के संबंध में ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो उनसे आज हम फुल डिटेल जानेंगे। तो विकास जी, स्वागत है आपका आसियाना ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे भाइयों को बताकर चलिए। मेरा नाम विकास राठौर है, मैं BSc एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन में पास आउट। दूसरी चीज, मैं एक ग्रीन स्टोर चलाता हूँ जिसपे मैं गार्डनिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स एंड सारी सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। तो क्या आप जो लोग लॉन में ग्रास वगैरह लगवाना चाह रहे हैं, अपने गार्डन में लगवाना चाह रहे हैं, वो भी प्रोवाइड करा के जी? बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं, लॉन में घास प्रोवाइड भी कराते हैं, उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेनेंस के लिए अगर लेबर चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करा के चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ ये निकल के आता है कि भाई कोई अपने लॉन में नेचुरल ग्रीन ग्रास लगवाए ही क्यों, आर्टिफिशियल वाली क्यों ना लगवाए? जिस तरीके से आपने अभी एक दो साल पहले का जो सीन देखा था, जो कोविड टाइम देखा था, उसमें लोगों को अवेयरनेस आ गया था कि हमें क्या करना है, ग्रीनरी को बचाना है और जहाँ तक जितनी भी हमारे पास जगह अवेलेबल है उसको ग्रीन बना के चलना है। तो इससे भी भाई लोगों को ऑक्सीजन तो मिलेगी, ऑक्सीजन मिलता है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ठंडा रहता है। विकास जी, सबसे पहले आप हमें ये बता के चलें कि लोग ग्रीन ग्रास को कहाँ कहाँ लगवा सकते हैं। ग्रास लगवाने के लिए आपके पास लैंड है तब भी आप लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर थोड़ी जगह छोड़ करके चलते हैं जहाँ पे वो अपना छोटा मिनी गार्डन बना के चलते हैं। कुछ लोग बालकनीज में भी लगवाते हैं, रूफ पे भी लगवाते हैं। और आज के टाइम जैसे बिजनेस ग्रोथ पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ कस्टमर अट्रैक्शन के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीनरी बनाने के लिए ग्रास लगवा रहे हैं, प्लांटेशन करा रहे हैं अपने ऑफिसेज वगैरह। ऑफिस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है। अच्छा, और घास में वैरायटी कौन कौन सी आती है जिसको कि आसानी से अवेलेबल हो जाए और उसको लोग अपने घरों वगैरह पे लगवा सकते? जैसे कि सिलेक्शन वन है, बर्मुडा है और आपका मैक्सिकन है, ये सारी ज़्यादातर डिमांडेबल रहती हैं क्योंकि ये थोड़े से मेंटेनेंस भी अच्छे से आती हैं और अफोर्डेबल भी अच्छा होती हैं। अच्छा, मतलब इनका प्राइस भी थोड़ा सा कम रहता है और इनका मेंटेनेंस भी अच्छा कम रहता है। अच्छा, अब जैसे ये तीन वैरायटी हैं तो इन वैरायटी का कुछ हमें ऐसा अंतर बता के चलें कि भाई कोई अपने घर पे लगवा रहा है तो कौन सी लगवानी चाहिए, अगर कोई अपने स्कूल वगैरह में लगवा रहा है तो कौन सी लगवानी चाहिए? तो जैसे प्लेग्राउंड के लिए लगवा रहा है या मैरिज होम के लिए लगवा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, पार्टियाँ चलती हैं, बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, तो वो घास पे असर आता है उसका कि भाई आपका घास ख़राब हो जाएगा या फिर वहाँ से हट जाएगा। तो इसके लिए जो है ज़्यादातर सिलेक्शन वन ही काम आता है कि जहाँ पे आपका भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग रहती है। और थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ आता है या जैसे आपका रिसॉर्ट है या फिर कुछ होटल टाइप है तो वहाँ पे बर्मुडा भी काम करा लेते हैं लोग। और जैसे हॉस्पिटल है या बड़े होटल्स हैं या रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे केवल ग्रीनरी दिखानी है वहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, या फिर जो कवर्ड एरिया है जहाँ ग्रीनरी रखनी है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग मैक्सिकन लगवाते हैं, वो देखने में बहुत शानदार होती है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे आपने जो घास लगा रखी है यहाँ पे, ये कौन सी घास लगी हुई है? यहाँ पे जो है ये बर्मुडा घास लगी हुई, क्योंकि यहाँ पे रश एरिया रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बर्मुडा लगी है। तो फिर लोग घर में भी बर्मुडा ही क्यों ना लगा लें, घर में जाके वो सिलेक्शन वगैरह क्यों चूज करें? क्योंकि बर्मुडा थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा हार्ड रहता है, लोग क्या करते हैं योगा वोगा कर रहे हैं तो वो उस टाइम जो है उनको थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है उससे। जो सिलेक्शन वन है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड कराती है और सॉफ्ट रहती है थोड़ी, एकदम मतलब गद्दे जैसी उसको फीलिंग होगी। जी जी जी। और उससे ज़्यादा गद्दे वाली फीलिंग अगर चाहिए तो मैक्सिकन है, बट उसमें जो है आप पार्टी नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते उसमें, ज़्यादा नहीं कर सकते, वो शो पर्पज से ज़्यादा रहती है। बिकॉज भाई एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारा कोई भाई है जिसका 10x10 का ही गार्डन है और उसमें लगभग ग्रीन ग्रास लगवाने का कितना तक खर्चा आ जाएगा? सबसे पहली चीज़ आती है कि आप ग्रास कौन सा लगवा रहे हैं, क्योंकि जो वैरायटीज रहती है उनकी रेट भी अलग रहती है। हर एक मौसम में क्या होता है, ग्रास का जो रेट है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर आप आज ग्रास लगवा रहे हैं तो उसका रेट कुछ और होगा, और शायद आप सर्दियों में लगवाएं या फिर गर्मियों में लगवाएं तो रेट अलग हो सकता है। तो भाइयों, अगर आपको ग्रास लगवाने के संबंध में पूरा रेट पता करना है तो आप विकास जी से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। उसमें कई सारे फैक्टर डिपेंड हो जाते हैं। पहली चीज़ तो है कि आपने ग्रास की वैरायटी कौन सी चूज़ की है, दूसरा चीज़ है कि आपके पास एरिया कितना है जिसमें आप ग्रास लगवाना चाह रहे हैं, तीसरी चीज़ है कि वो जगह जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होना है वो आपके घर से कितनी दूर है, उसके अलावा भी ग्रास लगवाने वगैरह का भी खर्चा ऐड हो जाता है। तो इन सब का एक कॉम्बो पैक बनता है, वो आप डिटेल में विकास जी से पता कर सकते हैं।
इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा विकास जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि भाई हमारे पास तो पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, आप किस किस एरिया में ये ग्रीन ग्रास प्रोवाइड करा देते हैं? वो हम वैसे तो अपना पूरे आगरा को कवर करके चलते हैं, अगर हमें कोई बाहर से भी कॉन्टैक्ट करता है तो हम वहाँ भी प्रोवाइड करके चलते हैं। तो भाइयों, अगर आप आगरा और आगरा के आसपास के एरिया में रह रहे हैं, जैसे आपका मथुरा, फिरोजाबाद, टूंडला, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, यहाँ एक सर्कल ले लिया जाए तो लगभग 100 किलोमीटर के सर्कल में विकास जी आपको इस सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आप इस सर्कल से कहीं बाहर हैं तो आपको अपने लोकल एरिया में प्रोवाइडर को पता करना होगा, जहाँ से कि आप प्रॉपर सर्विस ले पाएँ और ग्रीन ग्रास को लगवा पाएँ। तो विकास जी, ग्रीन ग्रास के संबंध में हमारे भाइयों को इतनी ज़बरदस्त नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाइयों, फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।